नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी में 5000 अवैध मदरसों पर ताला लग चुका है। मदरसों की आड़ में पल रहे जिहादियों और कट्टरपंथियों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा है। अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि साल में 100 करोड़ रुपए बचेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों की आड़ में पल रहे जिहादियों और कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसा गया है। उत्तर प्रदेश में 5000 मदरसों को बंद किया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5000 ये मदरसे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। और बताया गया है कि ये मदरसे दरअसल मानकों के विपरीत चल रहे थे, यानी एक तरीके से अवैध रूप से ये मदरसे चलाए जा रहे थे, इसलिए अल्पसंख्यक आयोग ने इन्हें बंद कर दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुरेश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 5000 मदरसे बंद किए गए हैं। ये मदरसे मानकों के विपरीत चल रहे थे, इसलिए इनको आयोग ने बंद कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों और सालों में जिस तरह की आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है, फिर चाहे मामला लखनऊ का हो जहां से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था जो उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश की फिराक में थे। आपको बता दें, उन आतंकियों ने जो तालीम ली थी वो कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम मदरसे से ही उन्हें ये तालीम मिली थी। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन का गिरोह हो या फिर तालिबान का समर्थन करने वाले तालिबान के हमदर्द, ये कट्टरपंथी सोच कहीं और से नहीं बल्कि इन मदरसों से ही जन्म ले रही है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब आतंकियों का सीधा संपर्क इन मदरसों से पाया गया है और मदरसों में शिक्षा के नाम पर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश में मदरसों की आड़ में जिस तरीके की कट्टरपंथी सोच जन्म ले रही है और इन मदरसों का इस्तेमाल देश विरोधी साजिश के लिए किया जा रहा है, देश विरोधी षड्यंत्र के लिए इन मदरसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि 18 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद का मदरसा पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें सभी मदरसों को रजिस्टर करने के लिए कहा गया था। लेकिन देखते ही देखते करीब 3000 मान्यता प्राप्त मदरसे उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में गायब हो गए। मदरसा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सख्त निगरानी और नई जो नियम बनाए गए थे उसकी वजह से ऐसा हुआ कि 3000 मदरसे जो थे वो पोर्टल से गायब हो गए। दरअसल जब 18 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का मदरसा पोर्टल लॉन्च हुआ तो उसमें पहले परिषद के रिकॉर्ड में कुल 19,123 मान्यता प्राप्त मदरसे रजिस्टर्ड थे, लेकिन अब इनमें से कुल 16,222 रजिस्टर मदरसे ही फिलहाल इस पोर्टल पर हैं। इनमें से सिर्फ 558 मदरसे ही ऐसे हैं जिन्हें प्रदेश सरकार अनुदान देती है। बाकी जो रजिस्टर मदरसे हैं वो जकात और चंदे से चलते हैं। लेकिन अब इन बचे हुए मदरसों पर भी ताला लग चुका है। 5000 मदरसे जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे उन्हें अब योगी सरकार ने बंद कर दिया है। ये जरूरी भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार कहीं ना कहीं जो आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके की तालिबानी सोच उत्तर प्रदेश में जन्म ले रही है, और आपको यह भी बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक शिक्षा संस्थान है वो भी उत्तर प्रदेश के देवबंद में है, दारुल उलूम मदरसा, जिससे कहीं ना कहीं तालिबानियों से लेकर तमाम जो आतंकी संगठन रहे हैं उनके सीधे संपर्क रहे हैं। ऐसे में इन कट्टरपंथी सोच पर शिकंजा कसने के लिए यह जरूरी है कि इन अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा जाए, जहां से शिक्षा की बात होती है लेकिन किस तरीके से वहां से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद होता है, वहां से उन कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया जाता है जिनका इस्तेमाल देश विरोधी साजिश में किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल योगी सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है।
वहीं अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जो जानकारी दी गई है, उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों का टोटल लेखा जोखा जो है वो पोर्टल पर अपलोड करने के बाद 5,000 मदरसे जो कि मानकों के विपरीत चल रहे थे उन पर शिकंजा कसा गया है, जिसकी वजह से उन्हें तत्काल बंद कर दिया गया है। इन मदरसों को बंद कर देने से 100 करोड़ रुपए सालाना बचत होगी, ये भी अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जानकारी दी गई है। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुरेश जैन ऋतुराज ने यह बताया है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के नए पोर्टल का गठन किया गया है। इस पोर्टल में सभी मदरसों का विवरण अपलोड करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि मदरसों का सिलेबस भी संशोधित किया गया है। बोर्ड ने यह भी पाया है कि कई स्थानों पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी इन मदरसों में की गई है, यानी अवैध तरीके से इन मदरसों को चलाया जा रहा है। अवैध तरीके से पोर्टल पर जो जानकारी है वो अपलोड की गई है और उन तमाम मदरसों का लेखा जोखा जो है वो फिलहाल सरकार के पास है और उनमें से अब मेरठ में 5,000 मदरसों को बंद किया गया है। तादाद कितनी ज्यादा है ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकेले मेरठ में 5,000 मदरसे जो हैं वो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, जिन पर शिकंजा कसा गया है। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे संबंध में मेरठ में 10 लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हुए सरकार अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है। मदरसों के अलावा जैन और सिख समुदाय और साथ ही दूसरे जो धर्म हैं, दूसरे जो वर्ग हैं, उनके लिए भी धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को भी लाभ देने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। जैन समाज के कई गुरुकुल स्थापित किए गए हैं, इसलिए उन्हें ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग का ये साफ तौर पर कहना है कि धर्म के नाम पर जो शिक्षा दी जा रही है उसकी आड़ में किस तरीके से जिहादियों और कट्टरपंथियों को तैयार किया जा रहा है, इस तरीके की शिक्षा उन्हें दी जा रही है और कहीं ना कहीं देश विरोधी जो सोच है वो वहां से पनप रही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, फिर चाहे यूपी के बिजनौर की बात हो या उत्तर प्रदेश में अलग दूसरे स्थानों की बात हो, जहां से मदरसों से मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके बयान, उनके जो कार्य हैं वो इस तरीके के पाए गए हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अवैध हथियारों का जखीरा मदरसों से बरामद किया गया है, मौलानाओं पर शिकंजा कसा गया है क्योंकि ये मौलाना धन की शिक्षा की आड़ में जिस तरीके की तालीम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तमाम तरीके से इन पर शिकंजा कस रही है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश के देवबंद की है, जहां से लगातार तालिबानियों का समर्थन किया जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का हाल ही में बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान तालिबान ने जो अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके लिए उन्हें बधाई देता है। तो इस तरीके की सोच उत्तर प्रदेश और देश में पनप रही है जो देश के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा बन सकती है। और इस बड़े खतरे को अंजाम देने से पहले इस पर शिकंजा कसना जरूरी है और यही वजह है कि इस तरीके का एक्शन उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ना सिर्फ इन तमाम जिहादियों और कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसा गया है, बल्कि तमाम तरीके से कानून व्यवस्था को सुधारने की तमाम कोशिशें उनकी ओर से की गई है। और आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कर दी गई है, क्योंकि जहां से अगर इस तरीके की तालिबानी सोच, इस तरीके की कट्टरपंथी सोच अगर पनपेगी तो जाहिर तौर पर वो ना सिर्फ देश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले वक्त में बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोला जाएगा, यह घोषणा यूपी सरकार की ओर से कर दी गई है।
तो जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठाती हैं कि दरअसल अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की गई है, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं और वोट बैंक के लिए सरकार पर ये तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यूपी सरकार की ओर से अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुरेश जैन ने ये जानकारी दी है कि किस तरीके से पिछले सालों में उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने बताया है कि पुत्री विभाग में पिछले साल 2020 से 21 के 7,266 लाभार्थियों का अनुदान दिया गया है। वहीं 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को ₹500 प्रति माह पेंशन का प्रस्ताव भी फिलहाल प्रक्रिया में चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए जो है वो लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लगातार सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। अल्पसंख्यकों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो सरकार चला रही है और तमाम योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है, तो विपक्षियों को भी उन्होंने करारा जवाब दिया। लेकिन इसके अलावा ये भी समझा दिया गया कि अगर इस तरीके से अवैध मदरसे चलाए जाएंगे और इस तरीके से इस्लामी शिक्षा की आड़ में ये कट्टरपंथी और ये देश विरोधी सोच को जन्म दिया जाएगा तो इस पर भी यूपी में योगी सरकार शिकंजा कसेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।